समस्या का समाधान है भगवद गीता में। आप किसी भी समस्या का परेशान है तो एक बार भगवद गीता पढ़ लीजिए, आपको हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। भगवद गीता एक ऐसी पुस्तक है जो हर सवाल का जवाब का इस पुस्तक में जवाब है। आपको क्या करना है या क्या ना करना है, हर सवाल का जवाब इस पुस्तक में। अगर आप साथ ही से प्रेम पूर्वक भगवद गीता पढ़ लिए या सुन लिए तो आपका मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। भगवद गीता पढ़ने या सुनने से भगवान की प्राप्ति हो सकती है। आप भगवद गीता पढ़ते हैं या सुनते हैं लोग सब सुधर जाएगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आपको भगवद गीता पढ़ने से आपको वैकुंठ या मोक्ष की प्राप्ति भी हो सकती है। जब परीक्षित को 7 दिन बाद सांप काटने वाला था तो भगवद गीता सुनकर वैकुंठ की प्राप्ति मिली, को मोक्ष की प्राप्ति मिल गई। भगवद गीता सुनने से हमारी लोक सब सुधर जाता है। स्वर्ग से देवताओं अमृत लेकर आए, उसे बोले कि तुम पी लो अमृत, मुझे भगवद गीता सुने दो। परीक्षित ने बोला कि यह वो अमृत है जो तुच्छ है अमृत के सामने, भगवद गीता। हम अमृत पीकर सिर्फ उम्र बन जाएंगे, अगर भगवद गीता सुनिए तो वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए उसने भगवद गीता सुना। वो चाह सकते थे कि अमृत भी पी सकते थे, नहीं, सिर्फ वो भगवद गीता सुना, अपना वैकुंठ मोक्ष प्राप्ति की। हम भगवद गीता सुनने वाला पहला आदमी थे।